संजू सैमसन को आयरलैंड से ऑफर आया कि भैया आपको इंडियन टीम में नहीं खिलाते, आप में टैलेंट बहुत है, हम साल में अच्छा खासा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, हम आपको अपनी टीम में खिलाएंगे और आपको हर मैच खिलाएंगे और आपको एक बहुत लंबा रन देंगे, ये भी आश्वस्त करते हैं। साथ में आपका जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हो वो मौजूदा जो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है $1,00,000, उससे भी तीन गुना ज़्यादा आपको देंगे, $3,00,000 सालाना। मैच फीस आपको तीन गुना देंगे बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, आप हमारी टीम के लिए खेलिए और एक साल के बाद आपको कैप्टन भी बना देंगे। संजू सैमसन ने ये ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, बहुत से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलने से कोई देशभक्ति दिखाना तो होता नहीं है। क्रिकेट तो वैसे भी BCCI की टीम कही जाती है जो ऑफिशियल है, इंडियन क्रिकेट टीम तो कहीं भी नहीं जाती। तो ऐसे में फिर संजू सैमसन ने ये ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, जाहिर सी बात है संजू सैमसन ये ऑफर क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अरे भैया बेशक वो इंडिया की टीम में रेगुलर नहीं खेल रहे, IPL में वो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है। दुनिया के अगर सारे खेल को देखें और उन सभी की लीग्स को देखें तो दुनिया की टॉप 5 में आने वाली इंडियन प्रीमियर लीग को वो खेलते हैं, हर साल 15 करोड़ रुपए की सैलरी पर राजस्थान रॉयल्स के वो कैप्टन, और हर मैच वो IPL का खेल रहे हैं। साल 2013 में उनका IPL करियर शुरू हुआ था, IPL के लीजेंड्स में अभी से वो गिने जाने लगे और अभी वो आराम से 6-7 सीजन और खेल सकते हैं। वहीं अगर उनके इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने की बात करें, यकीनन नाइंसाफी उनके साथ हुई है। ऋषभ पंत को फेल होने के बाद T20 क्रिकेट में लगातार मौके मिले, उनको लगातार इग्नोर किया गया, उनको कभी भी लगातार 5 मैच तक नहीं खिलाए गए। T20 फॉर्मेट में अगर उनको लगातार खिलाया जाता वो अब तक अपनी जगह बना लेते थे, लेकिन BCCI है यहाँ पर, इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम के पास इतना पैसा है, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर इतना पैसा बरसता है और जो अलग से पैसा आता है ब्रांड एंडोर्समेंट से वो अलग, भला संजू सैमसन अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। उन्होंने तो इस ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। वैसे भी वो कभी कभी तो इंडिया के लिए खेल ही लेते हैं, और दूसरी बात जो इतनी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, एक तरह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मौजूदा स्क्वाड में अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा सिंपैथी है तो वो संजू सैमसन है, और संजू सैमसन उस सिंपैथी को भला क्यों ख़त्म करेंगे। और सिंपैथी वाली बात ना भी होती, जो भी प्लेयर इंडिया के लिए कभी साल में एक मैच भी खेल लेता है और हर सीज़न IPL का खेलता है वो कभी भी किसी भी विदेशी बोर्ड का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो फिर भी आयरलैंड है, अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी ऑफर देगा तो भी कोई भी इंडिया का प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि BCCI फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जो एक दो मैच भी इंडिया के लिए खेल लेता है वो IPL में आसानी से साल में 4-5 करोड़ रुपया कमा लेता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।